भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों की समस्याओं के निवारण, सुविधाओं व बेहतर सुरक्षित विकास के लिए रिको इंडस्ट्रियल क्षेत्र कहरानी में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नए भवन निर्माण के लिए बुधवार को भूमि पूजन हुआ। यह आयोजन कहरानी के प्लॉट नंबर 9 पर हुआ। इस खास मौके पर आए हुए मुख्य लोगों ने भूमि पूजन में शामिल होकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूजा सम्पन्न होने के ठीक बाद ईंट को पूजा स्थान पर रखकर भवन निर्माण की नींव रखते हुए भवन की सुख शांति व विकास के लिए हवन यज्ञ किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भवन की कुशलता के लिए मन्नत मांगी। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है कि भिवाड़ी में उद्योगपतियों की समस्याओं को राज्य एवं केंद्र सरकार तक उठाने की औद्योगिक संगठनों को जरूरत है, चाहे वे प्रदूषण की समस्या हो या उद्योगों को मिलने वाली बिजली, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाएं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इकाइयों के सदस्य बनकर उत्पादन के लिए बेहतर माहौल प्रदान करें। इस भवन का निर्माण कुल 3,50,00,000 रुपए की लागत से तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इस दौरान काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। भूमि पूजन निर्माण परिसर पूरी तरह से आए हुए अतिथियों से भरा हुआ था। अतिथियों के लिए नाश्ते खान पान का उचित प्रबंध किया गया था। इस खास मौके पर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्य प्रेसिडेंट प्रवीण लांबा, जनरल सेक्रेटरी हरीश गौड़, ट्रेजरार मुकेश शर्मा वे संस्थापक सदस्य हरिराम शर्मा, ओपी अग्रवाल, सत्येंद्र चौहान, ब्रज बिहारी कौशिक, विपिन चौधरी, तरसेम लाल चौधरी, एडिशनल एसपी विपिन शर्मा, बीड़ा सीओ रोहताश सिंह तोमर, रिको से के कोठारी राम प्रकाश गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम ये भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की नींव रख रहे हैं और हमारा मानना है कि इसको जल्दी बिल्डिंग को बनाएंगे और इसका अच्छा भवन बनाएंगे, जिससे इंडस्ट्रीज को भी यहाँ बैठने की और हमें भी काम करने की सुविधाएं मिल सके। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो इस तरह का अलग से एसोसिएशन बनाया गया, क्या दायरा जो कंपनियों का बढ़ रहा है बढ़ रही, तो उसकी वजह से ये दूसरा एसोसिएशन बना? एक्चुअल में दायरा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो अभी तक की एसोसिएशंस हैं उनका दायरा सीमित रहे, उनको कहीं और उनका फोकस है। तो हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की जो समस्याएं हैं वो इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म पर उठाई जाएं और पुरजोर से उठाई जाएं, जो सरकार तक पहुंचे और वो काम हो पाए। जो आने इन समूहों में जो बीते हैं, क्या सरकार तक बात पहुंची नहीं क्या? नहीं, मुझे ऐसा कुछ समय से लग रहा है कि एसोसिएशन अपने पूरी तरीके से काम नहीं कर रही हैं और उसी लिए हम जो पूर्व इसमें बीएमए के पूर्व 5 अध्यक्ष तो हम इसमें साथ हैं, बाकी हमारे साथ और भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सभी मेंबर्स हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक अलग से एसोसिएशन बजाए जो इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम को पुरजोर से उठाया जा सके और वो उसका इंडस्ट्रीज से फोकस हो। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे जनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी शाही समंदर से नूर निकलेगा। उठो ये मंजिर सब ताव देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिले रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मन में संकल्प होना चाहिए, मंजिल हंसकर मिलेगी, बस धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। मैं आपके 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे आमिर से बात की, बहुत धन्यवाद। यहाँ इंडस्ट्रीज की तरफ से एक नई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनी है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जो कि आपका आज कहरानी में जो 750 मीटर भूमि आवंटित की गई है उसका भूमि पूजन है। और बहुत ही आवंटन के तुरंत बाद में इन्होंने भूमि पूजन का कार्यक्रम भी किया, तो इससे ये पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी भवन भी तैयार होगा और ये जो मेंबर्स हैं बहुत ही पॉजिटिव सोच से आगे इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जो भी इनके सहयोग हो इंडस्ट्रीज को करेंगे और उनके एसोसिएशन के प्रयासों से यहाँ की इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा भिवाड़ी से रेवेन्यू जाता है, उसके बावजूद इंडस्ट्रियों को मूलभूत सुविधा है, रोड की बात करें, इनकी समस्या नहीं हो पा रही है, क्या इसका क्या कारण है? एसोसिएशन जो बनी है समय समय आप तक ये बात पहुंचाती रहती है क्या? सभी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो और एसोसिएशन और आमजन के प्रतिनिधि हैं, उन सबके साथ में उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम करते हैं। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया काफी पुराना है, 1970s का बना हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है।
है वक्त के साथ साथ एसोसिएशन और एंटरप्रेन्योर्स के प्रस्तावों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं और इसको बढ़ावा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। आने वाले समय में इंडस्ट्रियों को लेकर क्या प्लानिंग है रिको का, जो जिस तरह से आने वाले समय में कुछ ऐसा जो मैप प्लान हो जो समस्या है जो हल हो? राज्य सरकार का काफ़ी फोकस है भिवाड़ी में और इसके अंदर जो यहाँ पर भी 100 करोड़ रुपए के तो अभी वर्क सेंक्शन किए हुए हैं, जो अभी काम चल रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए जो पूरे ओवरऑल भिवाड़ी के लिए कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर यहाँ जो पानी की गंदे पानी के ट्रीटमेंट का एक इशू है उसके लिए भी 146 करोड़ की लागत से जो है पूरा काम चल रहा है। CETP का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है जिससे यहाँ जो राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर पानी की भराव की समस्या है उससे बहुत जल्दी ही निजात मिल जाएगा और इन सभी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी वर्क्स चल रहे हैं और जो प्रस्तावित हैं राज्य सरकार ने काफ़ी बजट आवंटित किया इन दिनों तो उससे काफ़ी एक नई दिशा दिखेगी, एक साल बाद में भिवाड़ी की बहुत नई सूरत दिखेगी। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज बड़ा शुभ दिन है भिवाड़ी के आगे के भविष्य के लिए। एक नई टीम इसमें आई है और पहले भी लोग काम करते रहे पर इस टीम का काम करने का अलग तरीका रहेगा। जो भी यहाँ पे भिवाड़ी में अब तक जो 30-35 सालों में परिवर्तन नहीं आए और जो बेसिक दिक्कतें आज भी बनी हुई हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा हम जोर लगाएंगे और शासन प्रशासन के साथ भिवाड़ी के भविष्य के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे और इसको एरिया में जो अभी वीकनेस है जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक संगठन है, हमारे कुछ संगठन पहले भी बड़े हुए हैं पर उनमें कुछ राजनीतियां घुसती हैं। हमारा ये संगठन राजनीतिक रहेगा और सिर्फ भिवाड़ी के उत्थान के लिए काम करेगा। ऐसा है, सबकी अपनी अपनी एक सीमा होती है, सबका अपना काम करने का एक तरीका होता है पर सबकी संतुष्टि एक जगह पे नहीं हो पाती है। इसलिए जब कुछ चीजों की उम्मीदें बढ़ती हैं उनकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं और अब भिवाड़ी बृहद हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है तो इसको देखते हुए एक नए और संगठित और संतुलित संगठन की एक आवश्यकता थी। जो हम वंचित जो लोग थे जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी या जिनकी पहुंच प्रशासन तक नहीं सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी उन लोगों के लिए हम एक विशेष कार्य योजना का क्रियान्वयन करेंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। बिल्कुल, एकदम। मैंने पहले भी जैसा कहा था कि BIA का जो गठन है वो किसी भी और एसोसिएशन के कंपटीशन में नहीं है क्योंकि मैं लघु उद्योग भारती का अध्यक्ष भी हूँ और फाउंडर मेंबर भी हूँ BIA का। तो BIA का एक ऐसा महसूस किया जा रहा था भिवाड़ी में कि एक वैक्यूम आ गया, जो इंडस्ट्री की समस्याएं हैं उनका समाधान प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था तो इसीलिए BIA का गठन किया गया जिससे हम ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान कर सके। BIA का जो भूमि पूजन करके ये एक संगठन ऑलरेडी एक साल से काम कर रहा है यहाँ पे और भवन क्योंकि हर एक कोई भी संस्था के लिए कार्यालय का होना अवश्य जरूरी है। अभी हम किसी की इंडस्ट्री में बैठ के काम करते हैं या होटल में कार्यक्रम करते हैं उसके बनिस्पत हम हमारे इस भवन के अंदर काम कर रहे हैं और ये भवन करीब दिसंबर 2024 तक 3 मंजिली बन जाएगा और करीब 3,50,00,000 रुपए का इसमें हमारा बजट है जो खर्च करने का है। वो सारा सहयोग हमें हमारे औद्योगिक संगठन के जो सदस्य है उन्हीं से ही मिलेगा और हम जिस प्रकार की जो कमियां कुछ जैसा आपको मालूम है कि भिवाड़ी में कई एसोसिएशन ऑलरेडी काम किए कर रहे हैं और हम लोग भी उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं किंतु अब महसूस करते हैं कि कई तरह की कमियां रह रही है उनको BIA ढंग से समझ करके और औद्योगिक सदस्यों के साथ संपर्क करके इंटरेक्शन करके हम लोग उसका समाधान प्रशासन से मिलकर कराएंगे और कुछ हो सकता है हमारे आपसी सहयोग से भी उसका निराकरण हो सकता है। भिवाड़ी के विकास में BIA का एक बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहेगा यही कहते हुए सभी उद्योग के सदस्यों को बंधुओं को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद। सर मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से भिवाड़ी ग्रो कर रही है ज़्यादातर संस्थाओं का रोल कंट्रोलिंग मैनेजिंग मॉनिटरिंग गवर्निंग में होना चाहिए और एक नई संस्था और आने से मैं समझता हूँ कि भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सरकार बातें सुन पाएगी मगर सारी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करेंगी तो वो एक
एक तरह से सोने पे सुहागा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि इस इलाके में हम बहुत ज्यादा यूनाइटेड नहीं रह पाए हैं, जबकि ये देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री ले लिया है और राजस्थान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र है, फिर भी इग्नोर किया जाता रहा है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। सड़कों की हालात देखो या क्राइम की हालात देखो या किसी भी चीज को देखो, सरकार की प्रायोरिटी ये रहा ही नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी संस्थाएं मिलकर सरकार के ऊपर इतना दबाव बना पाए कि सरकार को फाइनली दिवाली पे ध्यान देना पड़े। हमें पूछना है और जिस तरह से इंडस्ट्रीज का रेस्पॉन्स है, इससे लग रहा है कि पूरे इंडस्ट्रीज भिवाड़ी इंडस्ट्रीज का लगभग समर्थन है। और जो कल के आपके ही मैंने इंटरव्यू में प्रवीण लांबा जी और गौड़ जी के मैं सुना था कि किस तरह के इनके प्लान हैं, जो एक इन्होंने हेल्प सर्विस बनाने की जो बात करी है, एक ऑनलाइन सिस्टम बनाने की बात करी है, उसे लगता है कि एक बहुत अच्छी सुविधा रहेगी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ बाहर से हैं और जिस तरह के इनकी एनर्जी है और जोश है इनमें, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वास्तव में ये एसोसिएशन भिवाड़ी के विकास में नींव का पत्थर साबित है। ऐसा लगता है BIA भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है, आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पूरा औद्योगिक क्षेत्र पूरा समर्थन में है और मेंबर भी 250 से ऊपर इनके हो चुके हैं अपने, और आप जो बोर्ड मेंबर को देख रहे हैं तो उसमें सारे अनुभवशील और जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं वो कितने ऊर्जावान हैं, और कल आपने ही कवर किया था उनके छोटे से इंटरव्यू को, तो उनकी जो योजनाएं हैं वो बहुत ही भिवाड़ी के भविष्य के लिए उद्योगों के लिए बहुत अच्छी हैं, और हम सब इसमें मिलके काम करेंगे। जो मेंबर बोर्ड मेंबर है वो एक प्रतीकात्मक होता है, लेकिन सहयोग सभी का होता है, हर उद्योगपति का बराबर उसमें सहयोग अपेक्षित है और सब उद्योगपति दे भी रहे हैं सहयोग, और आप देखें आने वाले समय में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये भिवाड़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, उद्योगों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा होगा। देखिए आज भिवाड़ी की तकरीबन सभी बड़ी इंडस्ट्रीज इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, और भिवाड़ी के सारे अधिकारी भी पूरे सभी ने इसके अंदर अपना पूरा सहयोग दिया है, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी इंडस्ट्रीज ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है हम उसके उस भरोसे के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। आपने काफ़ी इंटरव्यू में सब कुछ तो बोल ही दिया है, और जो आपकी फ्यूचर प्लान है आने वाले समय में वो भी बताएं, और कुछ नई प्लान हो जो कल आपने नहीं बताया हो आने वाले। तो जमशेद जी, मैंने पहले भी आपको आपके इंटरव्यू में बताया था कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी समस्या होगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो यहाँ के पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो रिक्को से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली बोर्ड JVNL से रिलेटेड हो, हमारा सभी समस्याओं को लेकर जो भी इंडस्ट्रीज की दिक्कतें होंगी उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। जमशेद जी, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, आप हमारे यहाँ इस भूमि पूजन समारोह में पधारे, सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत है। प्लानिंग तो जब एक इंडस्ट्रियल एरिया, कल भी बात हुई थी, जब एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, तो वहाँ एसोसिएशंस की भी ज़रूरतें पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरह से समस्याएं बढ़ती हैं तो वहाँ एक ऐसी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है जो उन समस्याओं का निराकरण करवा सकें गवर्नमेंट से मिलके, अधिकारियों से मिलके, और यही हमारा पर्पज़ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया आप देखेंगे कैरानी एरिया है, कैरानी एरिया में अभी कोई एसोसिएशन नहीं थी, उसके अलावा भी कई सारे एरिए ऐसे हैं जहाँ भी हम सबकी पहुँच नहीं पहुँच पाती है सारी एसोसिएशन की, उसी यही पर्पज़ था कि एक एसोसिएशन का गठन किया जाए, और उसी के अंतर्गत इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। सर, नाम देख रहे हैं, अगर आप नाम देखें तो ये भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, तो यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये पूरे भिवाड़ी एरिया की है, इसमें जितने भी भिवाड़ी के एरिया आते हैं, 7-8 एरिए जो भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप हो रहे हैं, यहाँ से लेके करौली, सलारपुर, कैरानी, ये जितने भी पथरेड़ी पूरे एरिए, ये सभी हमारे एसोसिएशन के पार्ट हैं, और सभी जगह से मेंबर भी हैं हमारे पास, अभी हमारे पास करीब 450 मेंबर हैं, जो कोई एक क्षेत्र से नहीं है, सारे एरिए से भिवाड़ी से मेंबर हैं। तो नीमराना भी इसमें आएगा? नहीं, नीमराना अभी हमारा नीमराना तक हम कुछ नहीं, ये भिवाड़ी के लिए है पर्टिकुलरली, लेकिन भविष्य में अगर जरूरत होगी तो देखेंगे, नीमराना तो अलग एसोसिएशन है, वहाँ तो अलग काम।